मेन जो हमारे पास फिशेज में टाइप है माइग्रेशन की, वो हमारे पास है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, फिशेज जो होती हैं मूव करती हैं शिमाल से जनूब की जानब, यानी कि जब स्प्रिंग का जो टाइम आता है तो ये फिर जो है ना ये शिमाल की जानब, जबकि ये ऑटम का टाइम आता है तो फिर ये जनूब की जानब मूव करती हैं। बेसिकली ये जो मूवमेंट हमारे पास फिशेज़ में पाई जाती है ये टम्परेचर में चेंजेस की वजह से आती है। जब हम देखते हैं कि जब स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के बाद आगे आने वाले जो मंथ होते हैं उनमें टेम्परेचर राइज हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे बचाने के लिए खुद को ये फिशेज जो होती हैं वो जनूब की जानब सारा आटम मूव कर जाती हैं, वहाँ पे क्योंकि लो टेम्परेचर होता है अपर साइड के बात करें अगर हम लोग तो। इसी तरह जब आटम आ जाता है खजान या फिर ऑन सेट ऑफ दी हम बात कर लें इसका के हमारे पास विंटर का ऑनसेट होता है तो टेम्परेचर क्योंकि उस एरिया में हम जनूब की बात करें तो लो होता है, तो उससे बचने के लिए ये दोबारा से शमाल को मूव कर जाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह की मूवमेंट का हमारे पास जो पर्पज़ है वो हमारे पास क्या है, सूटेबल एनवायरनमेंट है और इसी तरह सेक्चुअली मेच्योरिटी को अटेन करना। कुछ हमारे पास स्पीशीज ऐसी हैं वो तब सेक्चुअली मेच्योर होती हैं, जब भी वो सेक्चुअली मेच्योर होती हैं तो वो बर्ड्स की तरह वो अपने नेटिव एरिया को छोड़ देते हैं और जाके नेक्स्ट दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर वो नेस्टिंग और ब्रीडिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अगर बात की जाए एग्जांपल्स की, कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल हैं, सफरीना एक फ़िश का नाम है, इसी तरह स्वॉर्ड, ये दो हमारे पास फिशेज हैं जिनमें इस तरह की माइग्रेशन अक्सर रुकावट देखने को मिली है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो टाइप है वो है एनाडर्मस माइग्रेशन, मीन द माइग्रेशन ऑफ फिशेज विद इन द सी फ्राम नेटिव प्लेस टू फार ऑफ प्लेस, इसका आर्ड है ओशियानोडर्मस माइग्रेशन। ओके जी, मीन कि इस तरह की मूवमेंट में या फिर इस तरह की जो माइग्रेशंस होती है उस वो में फिशेज सी वाटर से बाहर नहीं निकलती। हम जानते हैं कि हमारे पास जो सी वाटर होता है वो डिफरेंट होता है फ्रेश वाटर से, बिकॉज सी वाटर कंटेन मोर साल्ट्स एज कम्पेयर टू दी फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इस वजह से इन फिशेज को ज़्यादा अडाप्टेशन की ज़रूरत नहीं होती खुद को अडाप्ट करने की, क्योंकि ये सेम तरह के एनवायरनमेंट में ही रहती हैं, जस्ट जो चेंज आती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर वगैरह की चेंज इनमें आती है। अगर इसकी हम पर्पज़ की बात करें तो ये वाले फिशेस बेसिकली मूव करती हैं फॉर द सर्चिंग ऑफ सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ये फिशेस एक जगह से दूसरी जगह को नेस्टिंग या फिर सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स को सर्च करने के लिए मूव करती हैं और ब्रीडिंग ही इनका पर्पज़ होता है। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए हमारे पास एक फ़िश है टिनिस, इस फिश जो है बेसिकली ये शो करती है ओशियानोडर्मिस माइग्रेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज दी व्हाट्स दी प्रॉब्लम, यस पोटामोडर्मिस माइग्रेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग माइग्रेशन है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट ये हमारे पास ओशियानोडर्मिस के उलट है। इस तरह की माइग्रेशन में फिशेज जो होती हैं मूव करती हैं विद इन दी फ्रेश वाटर, जिस तरह हमारे पास ओशियानोडर्मिस में फिशेज मूव किया करती थी विद इन दी सी, इसी तरह इस तरह की माइग्रेशन में फिशेज जो है मूव करती हैं विद इन फ्रेश वाटर, वो जो है ना जो वार्म वाटर्स होते हैं वहाँ से जो है कोल्ड वाटर की तरफ या फिर कोल्ड से वार्म वाटर की तरफ जो है ना वो मूव करती हैं। अगेन इस तरह की माइग्रेशन खुद बता रही है कि इसके पर्पस हमारे पास जो होती हैं वो ब्रीडिंग है एज वेल एज दी सूटेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि इन फिशेस को जो टेम्परेचर होता है जो उसके में चेंज जो होती है उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, तो इस वजह से ये मूव करती हैं। जिस तरह हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स की, कार्प और ट्राउट है, कार्प और स्पेशली ट्राउट की बात की जाए, ट्राउट तो हमारे पास मोस्टली रहती ही ठंडे इलाकों में है, लेकिन स्टिल जब इसको ब्रीडिंग करना होता है तो ये मोर ज़्यादा जो है ना कोल्डर पार्ट्स में चली जाती है। अगर हम सर्दियों की बात की जाए तो नॉर्दर्न एरियाज में क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो इसलिए इसको थोड़ा लोअर एरिया को मूव करना पड़ता है विंटर्स में। इसी तरह जब गर्मियों आ जाती हैं
तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये दोबारा से बर्फ़ जैसे जैसे पिघलती जाती है तो ये बर्फ़ के साथ साथ अपर एरियाज़ को मूव करती जाती है। दिस इज़ दी एंडोडर्मिस माइग्रेशन। नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ दी एंडोडर्मिस माइग्रेशन। इसको हम आने वाले स्लाइड्स में एग्जाम्पल्स के साथ तफसील से भी देखेंगे। एनाडर्मस माइग्रेशन का मीन द मूवमेंट ऑफ मैरीन फिशेस, यानी कि सी में जो पाए जाने वाली फिशेस हैं, फ्राम सी वाटर टू फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग। हमने ऐसा फिशेस में भी फिनोमेना पाया जाता है कि वो ब्रीडिंग के पर्पस के लिए सी वाटर से समुंदर के पानी में से जो है दरिया में आ जाती हैं और वहाँ आके वो ब्रीडिंग करती हैं। इस तरह की एग्जांपल हमारे पास सालमन फिश की है, जिसको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जो है ना सालमन या फिर ईल को तफसील से भी देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो माइग्रेशन है वो है हमारे पास कैटोडर्मिस माइग्रेशन। ये बिल्कुल उलट है एनाडर्मिस माइग्रेशन की। एनाडर्मिस माइग्रेशन में फिशेज मूव करती हैं सी से फ्रेश वाटर की तरफ आद ब्रीडिंग, जबकि कैटोडर्मिस में क्या है कि फिशेज मूव फ्राम दी फ्रेश वाटर टू सी वाटर, यानी कि ताज़ा पानी से दरियाओं से ये मछलियाँ मूव कर जाती हैं। किसको मूव करती हैं? समुंदर को मूव करती हैं और समुंदर में जाके ये अपनी ब्रीडिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। जिस इसकी बात की जाए हमारे पास जो है ना ईल्स की कुछ स्पीशीज़ में इस तरह की माइग्रेशन पाई जाती है। अब हम जो है ना एक एग्जांपल्स का फिश की जो माइग्रेशन हुई है इसकी एक एग्जांपल को हम कैटाडर्मस माइग्रेशन में से एक एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक ईल को। ओके,